अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। दोस्तों आपके साथ कामरान अकमल के हवाले से अपडेट शेयर करूंगा कि कामरान अकमल ने पाकिस्तान के मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के ऊपर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। दोस्तों कामरान अकमल का कहना है कि हकीकी मायनों में सरफराज अहमद और मेरा जो इंटरनेशनल कैरियर है वो अब खत्म हो चुका है। मोहम्मद रिजवान को मेरी और सरफराज अहमद की पाकिस्तान टीम में वापसी की वजह से जो है प्रेशर नहीं लेना चाहिए, उन्हें अपनी गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए और मजीद तरक्की करनी चाहिए। दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने हैरान कौन परफॉर्मेंस दिखाई है 2021 के कैलेंडर ईयर में। और कामरान अकमल का दोस्तों कहना है कि पीसीबी को अब चाहिए कि जीशान अशरफ और जो रोहेल नजीर है उनको पाकिस्तान टीम के साथ रखा जाए ताकि वो भी कुछ सीख सकें, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के साथ अगर कोई मसला जो है बन जाता है, अल्लाह ना करे जब इंजरी हो जाती है, तो पाकिस्तान के पास दूसरा विकेट कीपर होना चाहिए। तो जो बेटर ऑप्शन है वो दोस्तों है रोहेल नज़ीर और जीशान अशरफ का, कि इन दोनों में से किसी एक को पीसीबी ने जो है पीसीबी को चाहिए कि साथ रखे मोहम्मद रिजवान के साथ, उनको जो है वो ग्रूव करे ताकि वो आगे पाकिस्तान के जो फ्यूचर है पाकिस्तान के यही तो आगे काम आ सके। दोस्तों बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है कामरान अकमल ने, और उनका कहना है कि सरफराज अहमद और जो यानी कि कामरान अकमल की अब पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बनती है। तो उनका कहना है कि अब हमारा तो कैरियर खत्म हो चुका है, लेकिन मोहम्मद रिजवान को मजीद जो है तवज्जो देनी चाहिए अपनी बैटिंग के ऊपर। दोस्तों ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब।